नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अरुणा सेशंस टू लाइफ। आज मैं इडली रवा से इडली बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी है। सांभर भी बनाई हूँ, चटनी भी बनाई हूँ, वो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनता है, परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक गिलास उड़द दाल। इसे दो तीन बार साफ पानी से धो के पानी डाल के भीगने के लिए रख दूंगी। अब 4 घंटा हुआ है। उड़द दाल पीसने से पहले इडली रवा भिगाते हैं। मैंने 1 गिलास उड़द दाल के लिए 3.5 गिलास इडली रवा ली हूँ। इसे एक टोप में डाल के साफ पानी से धो के रखूँगी। पानी नहीं डालना है, ऐसे ही रखना है। 4 घंटा हुआ है, अच्छे से उड़द दाल भिगा है। स्मूथ इडली के लिए 1/2 बाटी पोहा डालना है। पोहे को भी 1/2 घंटा पहले पानी में भिगा के रखना है। अब मैं उड़द दाल पीस रही हूँ। पहले उड़द दाल और पोहा डाल के स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। अब उड़द दाल अच्छे से पीसने के बाद आप इडली रवा उसमें मिक्स करके रख सकते हो। मैं अब क्या करूँगी, उसी में इडली रवा 1 मिनट के लिए मैं ग्राइंडर में घुमा के लूँगी, क्योंकि बाहर फिर मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स हुआ है। अब मैं इसे निकाल के ढक के रखूँगी 5-6 घंटे के लिए। इसे मैं ढक के रख दूँगी। देखिए अच्छे से फुला है। इडली बनाने से पहले 1 चम्मच आप नमक डालिए और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनते हैं और बहुत ही वाइट भी बनता है इडली। आप एक बार बनाएंगे ना, फिर बार बार ऐसे ही बनाएंगे और बहुत इजी है। खाली आपको उड़द दाल ही भिगाना है। देखिए मैं इडली के स्टैंड पे रखी हूँ। आप सांभर बनाते हैं। मैंने लिया है 1 कप तूर दाल और 1 कप मूंग दाल। दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है और अच्छे से धो के मैं गैस पे रख दूँगी। अब नींबू इतना इमली लेना है, उसे भी भिगाने के लिए रखना है। अब देखिए दाल अच्छे से पका है। इसे फोड़नी देते हैं। गैस पे एक बॉल रखना है, उसमें 2-3 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म होते ही जीरा, राई, चना दाल, उड़द दाल सब 1/2 टीस्पून डाली हूँ। 2-3 लाल मिर्ची डाली हूँ। अच्छे से तेल में भून के कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। 1 कांदा काट के डाली हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाली हूँ। हींग डाली हूँ। हल्दी डाली हूँ 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करना है। अब 1 टमाटर डाल के थोड़ा पकने देते हैं टमाटर को। अब मैं गाजर डाली हूँ, आपकी मर्जी, आप गाजर डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो। 1 टीस्पून मैं नमक डाली हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ। जो इमली भिगाए है ना, उसका पानी निकाल के डाली हूँ और एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी डाली हूँ। इसे बॉईल होने देते हैं। बॉईल होते टाइम कोथमीर डालना है और गुड़ डालना है जरा सा। और ये जो पाउडर डाल रही हूँ ना, जीरा और मेथी का पाउडर है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रही हूँ। 1/2 टीस्पून मेथी लेते हैं तो 1 टीस्पून जीरा लेके उसे हल्के से भून के उसे पाउडर बना के रखना है। जब भी सांभर बनाते हो ना, ये पाउडर डालना है, बहुत ही टेस्टी रहता है। अब बॉईल हुआ है ना, इसमें मैं वो दाल डाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जिन्हें आपको तिखने चाहिए, और गाढ़ा है तो पतले के लिए थोड़ा पानी डाल दो। और इसे बॉईल होना देना है। सांभर को कभी भी जितना बॉईल होता है उतना टेस्ट आता है। स्लो गैस पे मैं बॉईल होने दूँगी। तब तक मैं चटनी बनाती हूँ। चटनी के लिए मैं 1/2 बाटी कोबरा ली हूँ, आपको फटाफट बताती हूँ। आप देख रहे हो मेरे हाथ में जितना है उतना भुना हुआ सिंगदाना, उतना ही पुटाना और जरा सा कांदा, 1 लहसुन, 3 हरी मिर्ची तेल में ऐसे ही फ्राई करके ली हूँ, कोथमीर, नमक, जीरा, ये सब एक बार मिक्सर में घुमा के लेते हैं। कभी भी चटनी को पानी डालने से पहले एक बार घुमा के लीजिए, फिर पानी डालिए। उससे ना बहुत ही ईजी पड़ता है बनाने के लिए, फटाफट घूम जाता है, इसलिए मैं ये ट्रिक मैं आपको बताई हूँ। अभी चटनी के लिए तड़का देते हैं। तड़के के लिए मैं जरा सा जीरा ली हूँ, जरा सा राई, उड़द दाल, चना दाल, 2 लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता अच्छे से भून के चटनी में डालती हूँ।
देखिए चटनी भी रेडी हुआ है, फटाफट चटनी भी रेडी हुआ है। अब सांभर भी अच्छे से बॉईल हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए चटनी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी रहता है। और सांभर देखिए कितना अच्छा बॉईल हुआ। अभी मैं गैस बंद करूंगी, सर्विंग प्लेट में ले रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही सिंपल है। आपको कैसा लगा आप मेरा चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट इडली बना है और सांभर तो बहुत ही टेस्टी रहता है। आप सांभर में कुछ भी डाल सकते हो, बैंगन डाल सकते हो, शिंगा डाल सकते हो। मैं हमेशा कैरोट डालती हूँ, नहीं तो आलू डालती हूँ। देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी मैं आपको दिखाई हूँ। देखिए कितना जाली जाली बना है। आप एक बार आपके घर वाले को खिला दो, बार बार यही कहेंगे, चार खाने वाले छः खाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। थैंक यू।